उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने लगा था तो लेकिन ये देखें बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है स्टार्ट हमारे शहर में, तो मैंने सोचा पहले आपको थोड़ी सी बारिश दिखा दें उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत बारिश हो रही है। कल का सारा दिन भी शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई हैं हमारे शहर में और आज भी देखें बारिश हो रही है। ये अच्छी बात है, मौसम बदल रहा है, गर्मी का जोर टूटेगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मौके के लिहाज से है, मौसम के लिहाज से है। फ्रेंड्स आपको पता है कि शदीद गर्मियाँ इस टाइम अरूज पे हैं लेकिन बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और हबस का मौसम चल रहा है, मतलब गर्मी हबस ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस मौसम में जो आपके बर्ड्स होते हैं या जानवर होते हैं, पेट्स होते हैं, वो चाहे पोल्ट्री हों या फ्लाइंग हो, वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपना बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है उसको तेज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी होती है ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती है। या आप आसान अल्फाज में कहें कि आपके जो परिंदे हैं वो अपने आप को गर्मियों में और हवा से मौसम में ज़िंदा रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परिंदे अपना बॉडी का टेम्परेचर मौसम के लिहाज से चेंज करते रहते हैं, चाहे पोल्ट्री के हों चाहे फ्लाइंग बर्ड हों। तो फ्रेंड जिसकी वजह से अक्सर आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग जाते हैं या वो पतली बिठे करने लग जाते हैं, तो उन पतली बिठाओं के इलाज के लिए आप लोग मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और वो एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने का नुकसान ये होता है कि वक्ती तौर पर तो आपके बर्ड्स का इलाज हो जाता है लेकिन आपके बर्ड की बीमारी की शिद्दत इतनी नहीं होती जिसके लिए आपने उसको एंटीबायोटिक दे दी होती है। मतलब कि आसान में कहूँ आपको मैं, अगर तो एंटीबायोटिक तब दी जाती है जबकि बहुत ज़्यादा शदीद मसला हो आपके बर्ड के जिस्म में, ज़्यादा इन्फेक्शन हो या इन्फेक्शन वाला पेचस पखाने या लूज मोशन लगे हों। आपने छोटे से मसले के लिए आपने पहली स्टेज पर उसे एंटीबायोटिक दे दी, अब हुआ क्या कि उसके जो लूज मोशन थे वो ठीक तो हो गए लेकिन उसके जिस्म के अंदर एंटीबायोटिक जाने की वजह से जरासीम मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे और जब नेक्स्ट टाइम उससे लूज मोशन लगेंगे शदीद वाले या इन्फेक्शन वाले तो एंटीबायोटिक ईजिली इस पर असर नहीं करेगी। इसलिए फ्रेंड्स कोशिश किया करेंगे जब आपके बर्ड को हल्के फुल्के या पहले स्टेज की लूज मोशन लगे हों या कोई बीमारी भी हो, हल्की फुल्की हो या बदलते मौसम की हो या मौसमी तब्दीलियों की वजह से लूज मोशन लगे हों या कोई भी फ्लू कोल्ड बुखार हो पहले स्टेज का, आपको लग रहा है कि यार हल्की सा है पहले स्टेज का है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करें, इलाज नहीं करें लेकिन एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल फौरन मत करें। कोशिश करें तो उससे हर्बली ट्रीट करें, मतलब कि यूनानी देसी हकीमी टोटकों से ठीक करें, हकीमी मेडिसन हर्बल मेडिसन से ठीक करें, या अगर डॉक्टरी मेडिसिन देनी है एलोपैथी देनी है तो नॉन एंटीबायोटिक मेडिसिन दें। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक पे कि आपके बर्ड्स को अगर लूज मोशन लग गए हैं चाहे वो मौसमी तब्दीली की वजह से हो, चाहे गर्मी की शिद्दत या सर्दी की शिद्दत के स्ट्रेस में आके उसने लूज मोशन लगवा लिए हैं, या खुराक की खराबी या इन्फेक्शन उसमें बॉडी में थोड़ा सा आ गया है, इन सब वजूहत की वजह से आपके बर्ड को लूज मोशन लग गए हैं, तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक बाज़ार से आपने लेके आना है एक सिरप, ये वाला फ्रेंड ये है Qplex जी सिरप और आप पढ़ सकते हैं गौर से, इस पर लिखा हुआ हर्बल, ये हर्बल सिरप है देसी, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं कंपोजिशन इसका देसी है, केमिकल इसमें ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं लिखा भी हुआ है इस पर, हर्बल यूनानी प्रोडक्ट है ये, और ये जो इसमें जो अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं सिरप के अंदर वो सब के सब देसी हैं, कोई भी केमिकल नहीं है। तो आपने फ्रेंड सबसे पहले इसको लिबास लेके आना, Qplex जी का नाम का सिरप है ये हर्बल, इस पर लिखा हुआ है एंटी डायरियल दस्त रोकने की मौसम दवा और ये फ्लेवर उसका होता है केले का। अगर आप इसकी कंपोजिशन पे आएँ, मतलब कि इसके अंदर कौन से अज़ा शामिल हैं, तो जिंक मुरक्कब इसमें शामिल है,
आप पढ़ सकते हैं गौर से, अभी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया इसके अंदर। और ये फ्रेंड अगर मैं पढ़ाओ गौर से, अगर उस पर लिखा हुआ होगा पढ़ें इस पर, आप इसमें क्या लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर के हर तरह के दस्तों के लिए, मतलब हर तरह के लुब्रिकेशन के आराम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस तरह से फ्रेंड मुराद है कि अगर आंतों में सोजश हो गई है, इन्फेक्शन आ गया पेट में हल्का सा, और फर्स्ट स्टेज का डायरिया है, तो आप बाजार से क्यूप्लेक्स सीरम लेके आएँ और इसको इस्तेमाल करें अपने किसी भी जानवर पर, किसी भी पेट पर, पेट जानवर जो होता है आपका, या परिंदे या पोल्ट्री बर्ड्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं बासानी। और तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। आपने इस मेडिसिन सिरप का एक चम्मच लेना है खाने वाला, और उसको एक लीटर पानी ले लें सादा, जैसे ये है एक लीटर पानी सादा, उसके अंदर इस मेडिसिन क्यूप्लेक्स जी सिरप का एक चम्मच खाने वाला लेके एक लीटर पानी सादे के अंदर मिक्स कर दें और अपने बर्ड को पिलाएँ। डेली ताज़ा पानी तैयार करें और 5 दिन तक इसका कोर्स लाजमी करवाएं। तो फ्रेंड्स ये एक देसी दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और उम्मीद है कि आपका बर्ड 5 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल ठीक हो जाएगा, बगैर किसी केमिकल दवा से या बगैर किसी एंटीबायोटिक के बगैर ही ये ठीक हो जाएगा आपका बर्ड, और जिस्म में ताकत पैदा करेगा ये दवा आपके जिस्म के बर्ड के, क्योंकि इसके अंदर जिंक है, तो जिंक जो होता है आपके बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, जो जर्सीम के ख़िलाफ़ लड़ता है, उसको स्ट्रांग बनाता है और आइंदा बीमारी को आने से रोकता है। केमिकल दवा का ये नहीं क्या वाला काम नहीं करता कि आपके जिस्म के अंदर जाके जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको कमज़ोर कर दे, फ्यूचर के लिए भी कर दे, और ख़ुद से जो दवा होती है उसके ज़रिए इलाज करे, ऐसा नहीं करता। ये इसके जिस्म के अंदर जो नेचुरली जो डिफेंस सिस्टम होता है उसके साथ मिलके ये मेडिसिन आपके बर्ड की बीमारी को ठीक करेगी, लूज मोशन को ठीक करेगी, क्योंकि इसमें जिंक है, जिंक का काम यही होता है, डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके ये असर करती है, तो स्ट्रांग करके असर करती है आपकी बॉडी पे। नुकसान कोई नहीं होगा इसका इंशाल्लाह, और बर्ड आपका ठीक हो जाएगा, और आप इसको बिला झिझक बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जानवर पे, परिंदे पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही आपको मिलेगा इस दवा का इस्तेमाल करने से। किसी किस्म के भी लूज मोशन हो, बगैर फिक्र के इस सिरप का इस्तेमाल करवाएं, डोज मैंने तरीका इस्तेमाल और डोज मैंने समझा दिया आपको। किसी किस्म का जानवर परिंदा हो आप इसको इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपको हफाजत मिलेगी। और अगर आपका कोई जानवर बड़ा है, जैसे कि मेरे पास खरगोश पड़े हुए हैं या कुत्ता बिल्ली है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन डोज आपने डबल कर देनी है, मतलब कि 4 चमचे खाने वाले 1 लीटर पानी में मिला के आपने देने हैं। लेकिन बिल्ली कुत्ते को तो आप डायरेक्ट चम्मच से भी पिला सकते हैं, आप 1 चम्मच या 2 चम्मचे पिला दें खाने वाले डायरेक्ट अपने पेट को, कुत्ते बिल्ली को डायरेक्ट मुँह में डाल के, तो पी लेगा वो। लेकिन परिंदों के लिए जैसे पोल्ट्री बर्ड्स, चिड़िया, किसी किस्म का भी परिंदा है, उसका मैंने आपको बता दी डोज, 1 चमचा खाने वाला 1 लीटर पानी में मिक्स करके पिलाएं 5 दिन के लिए, इंशाल्लाह आपका बर्ड ठीक हो जाएगा, और तो और अच्छी तरीके से ठीक होगा, दोबारा बीमार नहीं होगा। हर्बल मेडिसिन है, इसका कोई नुकसान नहीं है, और देर पर असर इसका रहेगा। तो बाकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे शहर मुल्तान में इस टाइम बारिश शदीद हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही देखिए आप, हम बड़े लकी हैं शहर मुल्तान शहर वाले, सारा साल गर्मी बर्दाश्त करते हैं और बारिश को इंजॉय कर रहे हैं अब। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छे काम बिजी रहें, अल्लाह का सपोर्ट करें, अल्लाह हाफिज़।